गाइस, फोल्डेबल फ़ोन का जो मार्केट है इस टाइम पे काफ़ी टाइम से है। और सबसे पहले हम सबको मालूम है सैमसंग ने जो ना दोस्तों फोल्डेबल फ़ोन निकाला था, लेकिन वो कुछ इतना खास काम नहीं कर पाया मार्केट में। और उसका जो मेन रीज़न था वो था उसका ड्यूरेबिलिटी इशू। अब ड्यूरेबिलिटी इशू उसमें एक्चुअली में क्या क्या थी, सबके अपने अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस थे, तो उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब सैमसंग ने अपना सेकेंड वर्जन निकाला तो ऑब्वियसली वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, ड्यूरेबिलिटी इशू जो थे वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव किए सैमसंग ने। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ थी इंटैक्ट थी वो था उसका हिंज मैकेनिज्म। अब ऑब्वियसली जब एक फोल्डेबल फ़ोन है तो उसमें हिंज मैकेनिज्म होगा ही, और जब हिंज मैकेनिज्म होगा तो आप उसको ऐसा स्टिल तो रखोगे नहीं फ़ोन को, आप उसको बार बार ओपन क्लोज करोगे। तो यहाँ पर एक टाइम के बाद में क्या होता था कि उस हिंज मैकेनिज्म पे डिस्प्ले के ऊपर बीच में एक जो है ना काफ़ी विजिबल रिंकल आ जाता था। अब यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज़ ने भी अपने अपने फोल्डेबल फ़ोन्स निकाले, जिसमें से Xiaomi भी है, ऑनर भी है, मतलब काफ़ी सारे फ़ोन्स है, ओप्पो है, लेकिन वो सब डिवाइसेस में भी यही प्रॉब्लम थी कि उसका जो हिंज मैकेनिज्म था उसमें काफ़ी बड़े और विजिबल रिंकल्स हमें देखने के लिए मिलते थे। अब ये जो है ना दोस्तों ऐसी विजिबल प्रॉब्लम है कि जब आप डिस्प्ले को यूज़ करोगे तो उसमें काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होता था, और ऑब्वियसली वो जो इतना विजिबल मार्क था वो एकदम बोले ना उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, मतलब इस तरीके से आपके जो है ना पूरे व्यूइंग एक्सपीरियंस को वो ख़राब करता था। लेकिन गाइस यहाँ पर सैमसंग ने जो है ना इसका एक तोड़ निकाला, क्योंकि फिलहाल के लिए देखिए जो वो रिंकल वाला पार्ट है उसको अभी तक सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं आई है। लेकिन सैमसंग ने दोस्तों यहाँ पर ये कि जब Z Fold 3 लॉन्च किया तो उसमें एक कवर डिस्प्ले दे दिया। वैसे गाइस यहाँ पर OnePlus के फोल्डेबल फ़ोन से बात करने से पहले मैं आपको ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करनी पड़ सकती है एज अ यूज़र भी जब एक फोल्डेबल फ़ोन वो यूज़ करता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो ना दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सैमसंग ने गाइस जब Z Fold 3 निकाला तो उसमें एक कवर डिस्प्ले दे दिया। अब कवर डिस्प्ले क्या होता था कि एक बार फोन जैसा ही था और ऊपर जो है ना प्रॉपर डिस्प्ले दे दिया, विच मीन्स के अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आपको डिस्प्ले ओपन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आपको कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस करना है, जो भी कुछ करना है तो आपको डिस्प्ले ओपन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गाइस आप बहुत कम ऐसा होगा कि आप फ़ोन को ओपन करोगे, और ऑब्वियसली जब आपका ओपन क्लोज का जो ये रिपीटेशंस है वो जब कम हो जाएगा तो वहाँ पर रिंकल्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और काफ़ी टाइम के बाद में होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना दोस्तों सैमसंग लेके आया था, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अभी रिसेंटली सैमसंग ने Z Fold 4 निकाला है और उसमें भी सैमसंग ने यही चीज़ रखी है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक वो जो रिंकल वाला प्रॉब्लम है ना वो सैमसंग ने इसको कम करने की कोशिश करी है। अब बात करूंगा दोस्तों अगर मैं OnePlus के फोल्डेबल फ़ोन के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इतनी खास डिटेल्स निकल के नहीं आई हैं, लेकिन रिसेंटली OnePlus के CEO ने ट्वीट किया है हिंज मैकेनिज्म को लेके। अब ये जो है ना दोस्तों एकदम क्लियरली इशारा करती है इस बात को, यह बोल सकते हैं कि ओपन सीक्रेट हो गया कि OnePlus जो है ना वो जल्द ही एक फोल्डेबल फ़ोन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। और साथ ही में गाइज ये बात भी पता लगी है कि OnePlus जब अपना फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करेगा तो वो इतना एक्सपेंसिव और एकदम फ्लैगशिप रेंज का नहीं होगा, वो एक अफोर्डेबल रेंज में आएगा, विच मीन्स आप समझ सकते हो कि फोल्डेबल फोन्स की मार्केट में 25,000 से 30,000 तक का फ़ोन OnePlus लॉन्च कर सकता है। वैसे गाइज ये बहुत जल्दी हो गई बोलने की, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो ना दोस्तों एक्सपेक्टेशंस ये है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए गाइज मैं तो यही बोलूँगा कि OnePlus अगर फोल्डेबल फोन्स लॉन्च करने की फिराक में है या फोल्डेबल फोन्स लॉन्च करना चाहता है तो OnePlus को ऑब्वियसली ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरी चाइनीज कंपनीज है वो सक्सीड नहीं हो पाई है प्रॉपरली अपने फोल्डेबल फोन्स के साथ में। और यहाँ पर सैमसंग जो है ना दोस्तों एक तोड़ लेके आया कि उसने कवर डिस्प्ले डाल दिया, तो यहाँ पर हो सकता है कि सैमसंग का जो फोल्डेबल फ़ोन का मार्केट है वो और ज़्यादा जो है इसमें सक्सेस ले। लेकिन यहाँ पर OnePlus को ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अब यहाँ पर देखिए 25,000 to 30,000 भी अगर आप एक लेमन यूज़र से पूछेंगे, मतलब मैं एक मिड यूज़र हूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि एक फ़ोन परचेस करना है जिसमें आपको एक टाइम के बाद में जो है ना बीच में एक रिंकल वाला मार्क आ जाएगा तो आपका जो डिस्प्ले व्यूइंग एक्सपीरियंस है जो है ना दोस्तों काफ़ी फ़र्क आ सकता है, तो मैं तो 25,000 से 30,000 इन्वेस्ट करने से पहले भी सोचूंगा कि भाई मतलब क्या ये चीज़ सही भी है या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कंपनी जो है ना एक सस्ता प्राइस रख दे अपने प्रोडक्ट का और उसके बाद में जब यूज़र को ये लगे कि नहीं मुझे आगे चल के इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है तो जो इन्वेस्ट कर रहा है यूज़र उसमें वो भी जो है ना दोस्तों बहुत विजिबल चीज़ हो जाती है। तो वैसे गाइस यहाँ पर आपका क्या ख्याल है मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करी है। आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो और उसके बाद में आपको 25,000 से 30,000 इन्वेस्ट करने को कंपनी बोले और फ़ोन लेने के लिए बोले तो आप उस चीज़ के लिए जाओगे या नहीं। लेकिन अब देखते हैं
आगे, क्योंकि काफी टाइम है, अभी तो सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, काफी टाइम है, अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या कंपनी कर सकती है, या शायद इस चीज को कंपनी अवॉइड कर पाएगी या नहीं, वैसे आगे चल के देखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखना ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे से। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।